दोस्तों अगर आप भी IPL 2022 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों आज IPL 2022 के ऑक्शन का पहला दिन था जिसमें कई सारे खिलाड़ियों पर करोड़ों रुपयों की बारिश हुई। इस नीलामी के लिए पूरे देश से हजारों खिलाड़ी अपनी किस्मत आजमा रहे थे। आज IPL 2022 के ऑक्शन का पहला दिन था। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज के इस दिन कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा महंगा बिका, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, डेविड वार्नर, रविचंद्रन अश्विन इन खिलाड़ियों पर कितने पैसों की बारिश हुई, साथ ही में हर्षल पटेल भी करोड़पति हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों पूरी खबर विस्तार से जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी IPL के बड़े वाले फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस IPL 2021 की नीलामी की शुरुआत शिखर धवन से हुई। शिखर धवन के लिए जमकर पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स बोली लगाते हुए नजर आई और आखिरकार पंजाब किंग्स ने शिखर धवन को 8.25 करोड़ रुपए में खरीद लिया। इसी के साथ पंजाब को एक बेहतरीन ओपनर भी मिल गया। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन एक बेहतरीन स्पिनर गेंदबाज हैं और इनको राजस्थान रॉयल्स की टीम ने खरीदा। रविचंद्रन अश्विन को राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 5 करोड़ रुपए में खरीदा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन तेज गेंदबाज पैट कमिंग्स को कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने खरीदा। कोलकाता की टीम ने पैट कमिंग्स को 7.25 करोड़ रुपए में खरीदा। आप सभी को बता दें कि पिछले साल भी कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से ही पैट कमिंग्स खेलते हुए नजर आए थे और उनके द्वारा शानदार प्रदर्शन देखने को मिला था। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के गेंदबाज कगिसो रबाड़ा पर भी जमकर बोली लगते हुए नजर आई। दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात टाइटंस, पंजाब किंग्स के बीच जोरदार टक्कर हमें देखने को मिली। इसी के साथ पंजाब किंग्स ने बाजी मारते हुए कगिसो रबाड़ा को 9.25 करोड़ रुपए में खरीद लिया। इसके अलावा ट्रेंट बोल्ट के लिए राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच हमें जोरदार टक्कर देखने को मिली। RCB की टीम ने 5 करोड़ पार होते ही हाथ पीछे खींच लिए थे, लेकिन इस मुकाबले में अब भी मुंबई इंडियंस की टीम आ गई थी और ट्रेंट बोल्ट 8 करोड़ तक पहुंच चुके थे। आखिरकार ट्रेंट बोल्ट को राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 8 करोड़ रुपए में खरीद लिया। इसके अलावा श्रेयस अय्यर के लिए दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। कीमत 9 करोड़ के पार पहुंच चुकी थी। श्रेयस अय्यर को कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने आखिरकार 12.25 करोड़ रुपए में खरीद लिया और खास तौर पर श्रेयस अय्यर अब कोलकाता के लिए कप्तानी करते हुए भी नजर आ सकते हैं। इसके अलावा मोहम्मद शमी के लिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पहली बार बोली लगाई। गुजरात टाइटंस ने और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने मोहम्मद शमी के लिए जमकर बोली लगाई। इसके बाद लखनऊ ने एंट्री मारी और शमी की बोली 4 करोड़ के पार पहुंच चुकी थी। आखिरकार गुजरात की टीम ने 6.25 करोड़ में मोहम्मद शमी को अपने साथ शामिल किया। इसके अलावा पिछले साल चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर खेलने वाले फाफ डु प्लेसिस पर भी जमकर पैसों की बारिश हुई। फाफ डु प्लेसिस 6.50 करोड़ के पार पहुंच चुके थे। दिल्ली कैपिटल्स की टीम पीछे हट गई और RCB की टीम ने फाफ डु प्लेसिस को 7 करोड़ में खरीद लिया। इसके अलावा क्विंटन डीकॉक को लखनऊ की टीम ने 6.75 करोड़ रुपए में खरीदा। क्विंटन डीकॉक के लिए मुंबई ने 5 करोड़ तक बोली लगाई। इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स ने भी इसमें जमकर भाग लिया, लेकिन आखिरकार लखनऊ में बाजी मार ली। इसके अलावा डेविड वार्नर के लिए बोली की शुरुआत हुई। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने बोली के लिए हाथ जमाया। इसके बाद CSK ने भी डेविड वार्नर के लिए जमकर बोली लगाई, लेकिन आखिरकार डेविड वार्नर की घर वापसी हुई। डेविड वार्नर को 6.25 करोड़ रुपए में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने खरीदा। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने इसी फ्रेंचाइजी के साथ IPL में डेब्यू किया था। मनीष पांडे के लिए शुरुआत में सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हमें कांटे का मुकाबला देखने को मिला। बोली 3 करोड़ के पार हो चुकी थी। 3 करोड़ के पार जाते ही दिल्ली कैपिटल्स को लखनऊ की टीम ने भी करारी टक्कर दी। आखिरकार मनीष पांडे को लखनऊ की टीम ने 4.60 करोड़ रुपए में खरीदा। इसके अलावा विस्फोटक बल्लेबाज को लेकर राजस्थान और दिल्ली कैपिटल्स के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। दिल्ली अपने फिनिशर को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी सिमरन हेटमायर को आखिरकार राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 8.50 करोड़ रुपए में खरीदा। इसके बाद चेन्नई की तरफ से पिछले साल शानदार प्रदर्शन करने वाले रॉबिन उथप्पा को लेकर बोली लगाई गई, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने ही सिर्फ बोली लगाई और आखिरकार चेन्नई की तरफ से 2 करोड़ रुपए में रॉबिन उथप्पा बिक गए। इसके अलावा जेसन रॉय भी 2 करोड़ रुपए में गुजरात टाइटंस के हुए। तो वहीं पर देवदत्त पडिक्कल के लिए शुरुआत में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला देखने को मिला। बोली 4 करोड़ के पार पहुंची। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को राजस्थान रॉयल्स से कड़ी टक्कर देखने को मिली। अब इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम भी शामिल हो गई और बोली 5 करोड़ के पार पहुंच गए। देवदत्त पडिक्कल के लिए राजस्थान रॉयल्स की टीम ने बाजी मार ली और 7.75 करोड़ रुपए में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने देवदत्त पडिक्कल को अपने टीम में शामिल किया। इसके अलावा कभी कभी चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार खिलाड़ी रहे सुरेश रैना इस IPL के मेगा ऑक्शन के दूसरे राउंड में कोई खरीदार नहीं मिला, यानी कि आखिरकार सुरेश
एंड्रेस रेना अनसोल्ड रहे। इसके अलावा स्टीव स्मिथ को भी कोई भी खरीदार नहीं मिला और स्टीव स्मिथ भी अनसोल्ड रहे। पिछले साल चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से मुख्य ऑलराउंडर की भूमिका निभाने वाले ड्वेन ब्रावो को चेन्नई सुपर किंग्स ने एक बार फिर से खरीदा। चेन्नई की तरफ से ड्वेन ब्रावो को 4,40,00,000 रुपए दिए गए। इसके अलावा नीतीश राणा के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच हमें कांटे का मुकाबला देखने को मिला। लखनऊ में भी दांव खेला लेकिन फिर भी केकेआर की टीम ने 8 करोड़ रुपए में नीतीश राणा को खरीदा। इसके अलावा वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर जेसन होल्डर को 8,75,00,000 रुपए में लखनऊ सुपर जेंट्स ने खरीदा। मुंबई ने बोली की शुरुआत की थी मगर चेन्नई बोली को 5 करोड़ के पार ले गई थी। मुंबई के हटने के बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम ने बोली को आगे बढ़ाया लेकिन लखनऊ की टीम ने आखिरकार बाजी मार ली और लखनऊ ने 8,75,00,000 में जेसन होल्डर को अपने नाम किया। इसके अलावा शाकिब अल हसन को कोई भी खरीदार नहीं मिला। तो वहीं पर दोस्तों हर्षल पटेल के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हमें कड़ी टक्कर देखने को मिली। फिर हैदराबाद की टीम ने भी इस मुकाबले में अपनी एंट्री मारी। बेंगलोर और हैदराबाद के बीच इस खिलाड़ी को लेकर काफी कड़ी टक्कर देखने को मिली लेकिन दोस्तों हैदराबाद ने 10 करोड़ से ऊपर भी बोली लगाई लेकिन फिर भी हर्षल पटेल के लिए हैदराबाद ने हाथ पीछे खींच लिए और 10,75,00,000 रुपए में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने हर्षल पटेल को खरीद लिया। इसके अलावा वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में डेब्यू करने वाले दीपक हुड्डा की बेस प्राइस 75,00,000 रुपए थी। राजस्थान की टीम ने पहली बोली लगाई। आरसीबी की टीम भी इसमें कूदी। यहां तक कि मुंबई इंडियंस की टीम भी यहां पर इन्हें लेने के लिए इंटरेस्टेड थी। इसके बाद तो दीपक हुड्डा के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम भी मैदान पर पहुंच गई मगर आखिरकार लखनऊ ने बाजी मार ली और दीपक हुड्डा को लखनऊ की टीम ने 5,75,00,000 रुपए में खरीद लिया। इसके अलावा श्रीलंकाई ऑलराउंडर की बेस प्राइस 1 करोड़ रुपए थी यानी कि श्रीलंका के ऑलराउंडर वनिंदु हसरंगा। श्रीलंका और दुनिया भर की T20 लीग्स में वनिंदु हसरंगा ने काफी प्रभावित प्रदर्शन किया है और उसका असर आज हमें नीलामी में देखने को मिला। हैदराबाद पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच उनके लिए कांटे की टक्कर देखने को मिली। बोली 7,75,00,000 रुपए तक पहुंच गई थी। जी हां दोस्तों ऑक्शन के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। नीलामीकर्ता ह्यूग एडमिट्स बोलते बोलते मंच पर से ही गिर गए और तुरंत ऑक्शन को रोक दिया गया। वनिंदु हसरंगा की बोली 10,75,00,000 तक पहुंच गई थी लेकिन नीलामीकर्ता मंच से गिरने के बाद इस नीलामी को रोक दिया गया और कुछ इस तरह से अब तक की लंच ब्रेक तक नीलामी हुई है। दोस्तों ऐसे में आईपीएल 2021 में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है कमेंट करके उसका जवाब जरूर दें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।